हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे से हैं और अपनी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं मेरी तरह। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मुझे जो है वाइल्ड प्लांट्स और वीड्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि कहीं से मुझे कोई ऐसा यूनिक सा जंगली पौधा मिल जाए या दिख जाए, तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ती उसे जो है घर पे लाने का और अपने गार्डन में लगाने का। और आप देख भी चुके हैं कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे शेयर भी किए हैं अपने पिछली वीडियोस में। तो बस आज भी मैं एक ऐसा ही प्लांट लेके आई हूँ आपके लिए, जो आपको जो है कहीं भी आपके सराउंडिंग एरियाज में, मैं नहीं कहती कि आपको किसी गार्डन में ही मिलेगा, ये तो ऐसा प्लांट है कि आपको किसी भी क्रिवाइस में, कॉर्नर में भी, आराम से पत्थरों के बीच में भी ग्रो होता हुआ दिख जाता है कभी कभार। मेरे यहाँ तो ये नीचे एकदम एज अ वाइल्ड वीड ग्रो होता है, और आप देख सकते हैं कि मुझे ये इतना प्यारा क्यों लगता है। देखें आप, इसकी लीव्स देखिए कितनी खूबसूरत है, और इसकी लीव्स देख के आप पहचान ही गए होंगे कि ये ऑक्सालिस फैमिली से है, लेकिन ये वाइल्ड स्पीशीज है उसकी। और ये देखिए कितने प्यारे कलर के इसमें पिंक फ्लावर्स भी निकलते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं तो टाइम टू टाइम इनके बल्ब्स मेरे नीचे गार्डन एरिया में से निकाल के ले आती हूँ। और इसी तरह देखिए मैंने कितने छोटे से एक डिस्पोजेबल ग्लास में लगाया हुआ है, और ये मैंने गार्डन में एक पॉट के अंदर रखा हुआ है। इसके लिए आपको ये मिट्टी दिखाई दे रही है नीचे। तो इसी तरह मैं जो हूँ इसके छोटे छोटे बल्ब्स, बोले तो क्या कहूं मैं आपसे फ्रेंड्स, जो चने का साइज होता है ना बस उसी साइज के या तो उससे भी छोटे प्याज के शेप में इसके बल्ब्स होते हैं। तो जहां पे ये इसके पत्ते मुझे दिख जाते हैं तो मैं थोड़ी सी, ये ज्यादा नीचे डीप भी नहीं जाते, बस वो मिट्टी खोद के उसके बल्ब्स निकाल के ले आती हूँ और ऐसे छोटे छोटे पॉट्स में लगा देती हूँ। तो बस ये भी मैंने कह लीजिए शायद 1.5 मंथ्स पहले इसके बल्ब्स लगाए थे इस छोटे से कंटेनर में, और अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें लीव्स निकल रहे हैं और अब इसने फ्लावरिंग भी शुरू कर दी है। कल भी एक फूल खिला था इसमें, यहाँ पर वो सूख गया है, और आज ये दो फूल खिले हैं। तो जब ये छोटा सा कंटेनर मेरा इन फूलों से भर जाएगा तो आप सोचिए कितना खूबसूरत लगेगा। तो मेरा आज का वीडियो, इसका मकसद क्या है कि मैं आपसे यही, जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं जो हूँ महंगे पौधे खरीदने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। जब आपके एनवायरमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में, आपको नेचर में ही इतने खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे जंगली पौधे मिल जाते हैं जिससे आप अपनी बगिया सजा सकते हैं, तो क्यों क्यों हम जो है इतने पैसे खर्च करके इतने एग्जॉटिक प्लांट्स लगाएं। मेरा बस यही मकसद होता है आपको बताने का, और इसलिए मैं आपको ऐसे ऐसे प्लांट्स भी शेयर करती हूँ आपके साथ, ताकि आप भी जो है इधर उधर देखें और जो है नेचर की ब्यूटी को एडमायर करें, और इस तरह से जिस तरह मैं प्लांट्स लेके आती हूँ बाहर से, आप भी लाइए, फ्री में लाइए, कोई पैसा खर्च नहीं होता, और देखिए अपनी बगिया में लगाइए और फिर मुझे बताइए कि आपकी बगिया को 4 चांद लग जाते हैं कि नहीं ऐसे पौधे लगाने से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे पौधे लेके आती हूँ और उनको खुद नर्चर करती हूँ और इतने अच्छे से ये बढ़ते हैं और इतने प्यारे प्यारे फूल भी देते हैं। तो चलिए, मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी करी कि इसका नाम क्या है और इसको कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए ग्रो करने की, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो ऑक्सालिस फैमिली से बिलोंग करता है, ये तो आप जान गए, और आप जानते हैं कि पर्पल ऑक्सालिस ट्राइंगुलरिस जो प्लांट है वो तो बहुत लोग पसंद करते हैं और हर कोई ढूंढता है नर्सरी में, और वो बहुत महंगा भी होता है, लेकिन क्या फायदा है, इसी तरह के उसके भी पत्ते होते हैं, बस पर्पल कलर के होते हैं और फ्लावर्स भी ऐसे ही निकलते हैं, और उसके लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, और ये जो है आपको मुफ्त में मिल जाता है। तो ये है ऑक्सालिस लाटीफोलिया, और इसे जो है गार्डन पिंक सोरेल भी कहा जाता है और ब्रॉड लीफ वुड सोरेल के नाम से भी जाना जाता है ये फ्रेंड्स। और मैं आपको क्या कहूँ, इसको ग्रो करना, जैसे मैंने आपसे कहा मैं तो इसके बल्ब ले आती हूँ नीचे से और बस इसको जो है वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में लगा देती हूँ। वैसे तो वाइल्ड में ये किसी भी सॉइल में हो जाता है, लेकिन हम जब पॉट में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल ही बना के हमें लगानी चाहिए ताकि हमारे पौधे जो है खराब ना हो। तो आप जो है एक वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल बनाइए और इसके छोटे छोटे बल्ब, ज्यादा डीप भी नहीं आपको लगाने हैं, बस थोड़े से सॉइल के ऊपर ही, और हल्की सी मिट्टी से उसको दबा दीजिए, और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में जो है इसमें से इस तरह ये पत्तियां निकलने लगती हैं। इसमें जो है स्टेम्स नहीं निकलती, जैसे हमारा जीजी प्लांट होता है ना, उसमें भी स्टेम नहीं होती, पेटियोल्स होते हैं, इसमें भी डायरेक्ट जो है बल्ब से राइजोम्स बनते हैं और राइजोम से पेटियोल्स निकलते हैं, और इस तरह इसके टिप पे ये 3 सेट ऑफ लीव्स होती हैं।
और इस तरह जो है ये फूल खिलते हैं, इसमें इनफ्लोरेसेंस जिसे कहते हैं, इसकी फ्लावरिंग स्टिक निकलती है और इस तरह इसमें जो है गुच्छों में फ्लावर्स निकलते हैं। 5 से 15 फ्लावर्स एक साथ निकल सकते हैं एक फ्लावरिंग स्टिक पे। तो ये तो हो गया इसकी सॉइल की बात, यानी ये वाइल्ड में तो किसी भी सॉइल में ग्रो हो सकता है, लेकिन आप घर में अगर लगा रहे हैं, पॉट में लगा रहे हैं, तो वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में लगाइए। और इसको सनलाइट जो है, विंटर्स की तो सनलाइट इसे बहुत पसंद है, बहुत आराम से चल जाता है अगर आप इसे डायरेक्ट धूप में भी रखेंगे, लेकिन गर्मियों की धूप से आपको इसे बचाना है। गर्मियों में आप इसे शेडी प्लेस पे रखिए जहां इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। अगर डायरेक्ट धूप लगेगी इसे गर्मियों की, तो ये पौधा जो है सूख जाता है, यानी ऊपर से तो खत्म हो जाता है, इसके बल्ब नीचे रहेंगे और जैसे ही इसका सीजन आता है वापस से ये ग्रो होने लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एज अ पेरिनियल प्लांट इसे रखना अपने गार्डन में, तो आप समझ में इसे शेडी प्लेस पे शिफ्ट कर दीजिए। और इसको जो है सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर पसंद है, तो इसकी मिट्टी जो है आप हमेशा थोड़ी मॉइस्ट ही रखिए। तो ये हो गई इसके सनलाइट की और वाटर की रिक्वायरमेंट की बात और सॉइल की। और कीड़े तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं, और फर्टिलाइजर भी आपको इसको कोई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पॉट में लगा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी कोई भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो आपके पास ऑर्गेनिक मैन्योर है, आप इसके अंदर थोड़ी सी डाल दीजिए, बस उतना ही काफी है। फिर उसके बाद जैसे हम दूसरे प्लांट्स को हर 15 दिन में 1 महीने में खाद डालते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी डालना पड़ता है, क्योंकि मैं तो नहीं डालती और मेरे यहाँ ये प्लांट ऐसा ही चलता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मुझे इसकी लीव्स भी बहुत पसंद है और शाम में जो है इसकी लीव्स बंद हो जाती है यूं इस तरह, सुबह होते ही इसकी पत्तियां जो है खुल जाती हैं, फूल खिल जाते हैं। ये एक ही दिन का फूल होता है और जो पत्तियां हैं ये बंद हो जाती हैं। तो बस इसी तरह जो है नीचे से इसके पिटियोल्स निकलते रहते हैं, पत्ते निकलते जाते हैं और ये इन्फ्लोरेसेंस इसका होता रहेगा और विंटर्स में ज्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करता है मेरे यहाँ। दूसरी जगह पे क्या है उसका मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ही शेयर करती हूँ। अगर कोई नया प्लांट है तो मैं रिसर्च करके आपको बताती हूँ। तो ये थी इसकी जानकारी फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये प्यारा सा जंगली वीड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी ऐसे ऐसे प्लांट्स देख सकें जो आपने कभी नर्सरी में भी नहीं देखे होंगे। मैं तो बस एक क्या कहते हैं, मुझे जंगली पौधों से ज़्यादा प्यार है, तो मैं आपके साथ ऐसे प्लांट्स भी शेयर करती हूँ। तो होप करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ मैं किसी और यूनिक प्लांट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग माय डियर फ्रेंड्स।